बड़ी नाइंसाफी होगी अगर उसके बारे में नहीं बोला जिसने मुझे बनाया है। बड़ी नाइंसाफी होगी अगर उसके बारे में नहीं बोला जिसने मुझे बनाया है। गांव से माँ बापू ने सोने के कंगन बेचकर मुझे यहाँ पहुँचाया है। बड़ी नाइंसाफी होगी अगर उसके बारे में नहीं बोला जिसने मुझे बनाया है। गांव से माँ बापू ने सोने के कंगन बेचकर मुझे यहाँ पहुँचाया है। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं कम से कम मैंने अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाया है। है ऊपर वाले, है ऊपर वाले, इस आदित्य ने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा लेकिन आज मांगता है। अगर आए वो वाला दिन, अगर आए वो वाला दिन तो मेरे पास आना, अगर आए वो वाला दिन तो मेरे पास आना, मेरी जितनी जिंदगी हो मेरे माँ बापू को दे जाना। अब मैं दूसरा माँ बाप के ऊपर है, दूसरा भी इश्क में सब कुछ कर सकता है लेकिन माँ बाप के लिए नहीं। इश्क में सब कुछ कर सकता है लेकिन माँ बाप के लिए नहीं। इश्क में मार मर सकता है लेकिन माँ बाप के लिए जी नहीं सकता। इश्क में उसके साथ पूरी दुनिया घूम सकता है लेकिन माँ बाप के साथ मथुरा वृंदावन नहीं। इश्क में कभी सिंह बन सकता है लेकिन माँ बाप के लिए श्रवण कुमार नहीं। इश्क में शराब पी सकता है लेकिन माँ बाप के लिए छोड़ नहीं सकता। माँ बाप से चुप रहो और इश्क में सॉरी बाबू बोल सकता है। जनाब शुक्रिया शुक्रिया। जनाब ये दुनिया है, जनाब ये दुनिया है। इश्क में आशिक हर कोई बन सकता है लेकिन माँ बाप के लिए अच्छा बेटा कोई नहीं। जनाब ये दुनिया है, इश्क में आशिक हर कोई बन सकता है लेकिन माँ बाप के लिए अच्छा बेटा कोई नहीं। चलो ठीक है, तीसरा सुनिए। बापू तेरा खोटा सिक्का एक दिन जरूर चलेगा। बापू तेरा खोटा सिक्का एक दिन जरूर चलेगा। तूने जो कुछ कमाया अपनी बेटी की शादी के लिए वो सब कुछ तूने अपने बीमार बेटे पर उड़ाया है। तूने जो कुछ कमाया अपनी बेटी की शादी के लिए वो सब कुछ तूने अपने बीमार बेटे पर उड़ाया है। डॉक्टर ने मना कर दिया तूने एम्स तक पहुंचाया है। डॉक्टर ने मना कर दिया तूने एम्स तक पहुंचाया है। बेटे ने जो कुछ मांगा बापू ने सब कुछ दिलाया है। बेटे ने जो कुछ मांगा बापू ने सब कुछ दिलाया है। बेटे ने जो कुछ मांगा बापू ने सब कुछ दिलाया है। आज चार लोग जानते हैं कल पूरी दुनिया जानेगी। आज चार लोग जानते हैं कल पूरी दुनिया जानेगी। और जो लोग ये बोलते हैं उनकी कामयाबी के पीछे लड़की का हाथ होता है, मैं बोलूंगा मेरी कामयाबी के पीछे मेरा बाप का हाथ है जिसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है। ऐसा महान मेरा बाप है। शुक्रिया शुक्रिया। चलो एक किसान का मुद्दा बहुत चल रहा है तो किसान के ऊपर भी सुनाइए। मेरे हाथ में छाले पड़ गए, मैं लोगों के हाथ में खाने के निवाले लाता हूँ। मेरे हाथ में छाले पड़ गए, मैं लोगों के हाथ में खाने के निवाले लाता हूँ। वो रात को खाना खाकर सोते हैं, मैं खेत में जग का जानवर भगाता हूँ। वो रात को खाना खाकर सोते हैं, मैं खेत में जग का जानवर भगाता हूँ। वो जिस भीषण गर्मी में बाहर नहीं निकलते, मैं उसी भीषण गर्मी में खेत में पानी लगाता हूँ। मैं उसी भीषण गर्मी में खेत में पानी लगाता हूँ। वो एसी की हवा में पसीना पोंछ लेते हैं, मैं लू की हवा में पसीना पोंछ लेता हूँ। मुझ जितनी मेहनत कोई नहीं करता पूरी दुनिया में, लेकिन मैं फिर भी नहीं कमाता हूँ। मुझ जितनी मेहनत कोई नहीं करता पूरी दुनिया में, लेकिन मैं फिर भी नहीं कमाता हूँ। लोग कहते हैं मेहनत करने के बाद खुद के भरोसे होते हैं, मैं मेहनत करने के बाद भगवान के भरोसे होता हूँ। फिर भी स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, मैं डॉक्टर इंजीनियर डिफेंस मॉडल एक्टर बनना, कोई ये नहीं कहता मुझको किसान बनना है। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। हाँ मुझे गर्व है मैं किसान हूँ। हाँ मुझे गर्व है मैं किसान हूँ। नहीं बनना मुझको अंबानी, नहीं बनना मुझको बिल गेट्स। हाँ मुझे गर्व है मैं किसान हूँ, लोगों की भूख मिटाता हूँ। हाँ मुझे गर्व है मैं किसान हूँ, लोगों की भूख मिटाता हूँ। मैं राजपूत हूँ तो राजपूत के बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है। और वैसे सभी मेरे भाई हैं, ये मत सोचना कोई जातिवादी का कुछ नहीं। वो हमसे प्यार करके किसी और की हो जाए, वो हमसे प्यार करके किसी और की हो जाए ऐसे कैसे। वो हमसे प्यार करके किसी और की हो जाए ऐसे कैसे। वो हमारे साथ चाय पीकर किसी और के साथ चाय पिए ऐसे कैसे। वो हमारी बाहों में होकर अब किसी और की बाहों में हो ऐसे कैसे। ठाकुर साहब की मोहब्बत है पूरी दुनिया में ऐलान हो जाएगा। ठाकुर साहब की मोहब्बत है पूरी दुनिया में ऐलान हो जाएगा। तू दुनिया के किसी भी कोने में चली जा, तुझे बेचैनी होगी क्योंकि चैन तुझे ठाकुर साहब की बाहों में मिलेगा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब चलो सब देसी भाइयों के लिए, जो भी गांव से हैं, मैं जो भी गांव से है तो प्राउड से बोला करो हाँ मैं गांव से हूँ। मैं बनकटी गांव का लड़का, डिस्ट्रिक्ट मेरी फरुखाबाद है। मैं बनकटी गांव का लड़का, डिस्ट्रिक्ट मेरी फरुखाबाद है। उसने कहा चल गांव वाले, उसने कहा चल गांव वाले तो सुन, बुला ले अपने किसी भी शहर वाले को, अगर जीत जाए इस गांव वाले से किसी भी चीज में तो ये राजपूत अपनी मूछें कटवा लेगा, अपने आप को ठाकुर कहना भूल जाएगा।
तो यह राजपूत अपने मुंह से कटवा लेगा, अपने आप को ठाकुर कहना भूल जाएगा। वो छोड़, बुला ले अपनी किसी भी दोस्त को और तू भी आ जाना और आंटी को भी ले आना। अगर एक गांव वाला तुम सबका दिल ना जीत ले तो अपने आप को गांव वाला कहना भूल जाएगा। और सुनो कुछ अपनों के लिए, अब तक की जिंदगी में एक चीज जहन में आ गई, अब तक की जिंदगी में एक चीज जहन में आ गई, दिल के करीब चीज बेवफा होती है। अब तक की जिंदगी ने एक चीज जहन में ला दी कि दिल के करीब चीज बेवफा होती है। कुछ लोग अपने ना होकर भी अपने होते हैं, लेकिन दिल ने बता दी सबसे बड़े कमीने अपने होते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। इश्क बिना बीटेक करे बेरोजगार बनाता है, इश्क बिना बीटेक करे बेरोजगार बनाता है। इश्क मोहब्बत प्यार इसका कुछ दस्तूर ही ऐसा है, ये हंसते हुए को रुलाता, रोते हुए को हंसाता है, ये दो दिल को एक दिल, एक दिल को दो दिल कर जाता है। इश्क मेरे भाई बड़ा तड़पाता है, इश्क मेरे भाई बड़ा तड़पाता है, इश्क हर किसी को थोड़ा दे जाता है। इश्क मेरे भाई कोरोना की तरह इसका इलाज नहीं मिल पाता। बचपन से अब पता चली, बचपन से अब पता चली ठेके पर लंबी लाइन कौन लगवाता है। इश्क मेरे भाई ये इंसान को जीते जी मार जाता है। और तो और इश्क ही तो है ये हम जैसे बेरोजगार को शायर बनाता है।